हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर सोनू कुमार आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोल ओ और एस डब्ल्यू एच ओ फार्मूले पर आधारित इलेक्ट्रोल पाउडर के बारे में इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग इसके साइड इफ़ेक्ट और इसका लेने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आइए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर के बारे में ये इलेक्ट्रोल की जो ये मेरे पास जो है पुरानी पैकिंग है और अब नई पैकिंग ये देखे इसमें जो है ये छोटी पैकिंग कर दी है थोड़ी और इसके प्राइस भी ज़्यादा हो गए हैं ये मेरे पास जो पुरानी पैकिंग है ये इक्कीस रुपये पिचानवे पैसे की है और ये नई पैकिंग जो है ये है चौबीस रुपये पैंतीस पैसे की ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है इसे लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा पाउडर होता है इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे कि आपको कमज़ोरी रहती है या आपको लूज मोशन हो जाते हैं जैसे कि आपको लूज मोशन हो जाते हैं और उसमें आपको कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है तो आप इस पाउडर का यूज उसमें कर सकते हैं या आपका बीपी डाउन रहता है या आप में पानी की कमी आ जाती है किसी भी प्रकार से पानी में कमी आ जाती है जैसे गर्मियों में बहुत अधिक पानी की कमी आ जाती है शरीर में प्यास ज़्यादा लगती है और खुश्की आ जाती है तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर बहुत ही अच्छा पाउडर है अगर आपका बीपी डाउन हो जाता है या आपको गर्मी के कारण चक्कर आते हैं या घबराहट रहती है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं आप इसका यूज बच्चों में भी कर सकते हैं आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर बहुत ही अच्छा पाउडर है इसका अधिकतर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लूज मोशन में अगर लूज मोशन हो जाते हैं किसी भी पेशेंट के तो आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि बिल्कुल लूज मोशन के कारण पानी हो जाते हैं पेट में पानी हो जाता हो और आपको कुछ भी खाया पिया नहीं पसता है तो आप इसको एक लीटर पानी अच्छे से उबाल कर और एक लीटर में यह मिला कर ठंडा हो जाए जब पानी इस, इसे मिला कर तो आप चौबीस घंटे के अंदर इसे पी लेना चाहिए देखिए इसमें विधि भी लिखी हुई है इसी कारण आप एक लीटर पानी अच्छे से उबालकर इसका उपयोग कर सकते हैं या आप गर्मी में जैसे आपको गर्मी अधिक लगती है और पसीने के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं आप एक लीटर अच्छे से पानी उबाल लें और फिर उसे एक लीटर में डालकर ठंडा करके इसे पी सकते हैं इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम पिछहत्तर पोटेशियम बीस क्लोराइड पैंसठ क्लोरेट दस और डेक्स्थ्रोस सेवेंटी फाइव टोटल जो होती है दो सौ पैंतालीस होती है ये इसका उपयोग जो होता है इसका उपयोग इंजेक्शन में नहीं होता है ये लिख रहा है नोट फोर इंजेक्शन यह इंजेक्शन में नहीं पाया जाता और इसमें इसकी जो कंपनी होती है वो होती है एफ लिमिटेड ये देखिए इच स्क्रेच इक्कीस पॉइंट अस्सी ग्राम में ये इसमें जो पूरा जो पैकेट है इसमें बा, लगभग बाईस ग्राम के करीब इसमें यह पाउडर पाया जाता है इसमें जो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड आईपी दो पॉइंट छः एम जी पोटेशियम क्लोराइड एट एक, एक पॉइंट पाँच एम जी और सोडियम क्रेट आई पी दो पॉइंट नौ एम जी और डैक्स्रोथ डेरा पॉइंट पाँच एम जी इसमें पाया जाता है पूरे पैकेट में इसलिए अगर आप भी लूज मोशन से परेशान रहते हैं आपको पानी की कमी आ जाती है या शरीर में किसी भी प्रकार की पानी कमी आ जाती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है अगर आपका बीपी भी डाउन रहता है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं या आपके घर में कोई बच्चा है जैसे पाँच से दस पंद्रह साल तक का कोई बच्चा है तो आप इसका यूज़ उसमें भी कर सकते हैं जैसे कि बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं तो एक लीटर पानी में उबाल कर, आप उस बच्चे को भी इसे पिला सकते हैं अब या बच्चा कमजोरी सी महसूस करता है लूज मोशन के कारण या पानी की कमी आ जाती है तो भी आप इस इसका यूज उसमें कर सकते हैं यह पानी की कमी को दूर करता है और हमारे पेट में जो इन्फेक्शन रहता है उसको दूर करता है अगर आपके पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है और आप दस्त बार बार जाते हैं तो आप इसे इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो